हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चहेते ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं राजकुमार। दोस्तों, यूपी सुपर टेट की कक्षाएं प्रारंभ हैं और यदि आपको इन कक्षाओं को ज्वाइन करना है और अच्छे और अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से अपने शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी करनी है और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना है, तो दोस्तों आप जो है स्क्रॉल हो रहे नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें और हमारे यहां जुड़े और एडमिशन प्रक्रिया के बारे में हर जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, इसके पहले हमने विज्ञान में कुछ मैं आपको एक दो तरीके बताया था पढ़ाने के, और इसके पहले हमने जीव विज्ञान की शाखाएं देखी थी, और इसी क्रम में मैं आज आपको बताऊंगा कि प्लांट क्या होता है, पौधे की संरचना क्या होती है, प्लांट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो शिक्षक भर्ती में जहां तक मुझे याद है, इसके पहले जो लिखित परीक्षा हुई थी, उस लिखित परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म के विषय में आप क्या जानते हैं, या जिम्नोस्पर्म की विशेषता क्या है, या अनावृत बीजी किसे कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आए थे शिक्षक भर्ती की परीक्षा में जो है, इसके पहले जो 18 की वैकेंसी हुई थी 2018 में, वो तो ऑब्जेक्टिव हुई थी, लेकिन उसके पहले जो एग्जाम हुआ था शिक्षक भर्ती का, उसमें यह प्रश्न आया हुआ था। तो हो सकता है मे भी यहां से प्रश्न आ जाए, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव भले से हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आवृत बीजी पौधा है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ पौधे के पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ डिस्कस करूंगा कि दोस्तों पौधा जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, पौधे की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अगर मैं बताऊं आपको, शुरू करूं यहाँ क्लास, तो दोस्तों जो पौधा होता है, बेसिकली पौधा तीन प्रकार का होता है, यानी पौधे को हम तीन भागों में बांटते हैं। इस प्लांट को क्या करते हैं, इस प्लांट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। अगर इस प्लांट के तीनों पार्ट की बात की जाए, तो तीनों पार्ट क्या क्या हैं, ये तीनों भाग कौन कौन से हैं, देखिए अगर इसकी बात की जाए तो इसके तीन भाग बनाए गए हैं, पौधों को तीन वर्गों में बांटा गया है। और पौधों के जो तीन वर्ग हैं ये कौन कौन हो सकते हैं, बहुत ही मुख्य विषय है। देखिए, पहला होता है थैलोफाइटा, पहला प्रकार है थैलोफाइटा, और इसके बाद यदि बातें की जाए तो होता है ब्रायोफाइटा। इसके बाद क्या होता है, ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा के बाद अगर बात करें, तीसरा होता है दोस्तों ट्रैकियोफाइटा, यानी कि पौधे को मुख्य रूप से इन तीन भागों में बांटा गया है। तो पहले हम इन तीनों की बात कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़े। यहां पहले लिखा गया है थैलोफाइटा। अगर थैलोफाइटा की बात की जाए तो एक विशेषता इसकी आप अच्छे से याद रखें, थैलोफाइटा ऐसा प्लांट है जिसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प कुछ भी नहीं होता, इन सब का अभाव रहता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण है जिनसे हम इन्हें थैलोफाइटा यानी कि प्लांट में रखते हैं। आप खुश हो सकते हैं कि जड़, तना, पत्ती या पुष्प विहीन, तो भाई अगर कोई ऐसा पौधा होगा, यदि कोई ऐसा प्लांट होगा जिसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प या कुछ भी नहीं है, तो क्या उसे हम प्लांट कहेंगे, यह सोचने वाली बात है। देखिए, यानी कि थैलोफाइटा पौधे का वह प्रकार है जिसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसमें पाए जाने वाले जीवों की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो पौधों से मेल खाती हैं, इसीलिए इनको हम पौधे में रखते हैं। तो आपने देखा, यह ऐसा प्लांट है जो जड़, तना, पत्ती, पुष्प विहीन होता है, ठीक है, और
अगर इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें हम शामिल करते हैं शैवाल को, शैवाल, या फिर इसमें हम शामिल करते हैं कवक यानी कि फंगस, और इसी में हम शामिल करते हैं जीवाणु, और इसी में हम शामिल करते हैं लाइकेन। लाइकेन यानी कि शैवाल, कवक, जीवाणु, लाइकेन, इन चारों को हम शामिल करते हैं प्लांट के थैलोफाइटा में। देखिए अब आप सोचेंगे कि आखिर इन्हें ही क्यों शामिल करते हैं। देखिए इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो पौधों से मेल खाती हैं। ठीक दोस्तों, क्या होता है, इनकी कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो पौधों से मेल खाती हैं। जैसे अगर हम इनकी बात करें तो इनमें कोशिका भित्तियां होती हैं जो कि पौधों की कोशिकाओं की मुख्य विशेषता होती है। इनमें कुछ ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जैसे शैवाल, शैवाल क्या है, प्रकाश संश्लेषी है। और दोस्तों एक जीवाणु भी ऐसा होता है जो प्रकाश संश्लेषी होता है। जैसे अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरियम रोडोस्पाइरलम नामक जीवाणु की, तो साइनोबैक्टीरियम रोडोस्पाइरलम जीवाणु क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है। तो इन चारों को हम शामिल करते हैं कहां पर, थैलोफाइटा में, शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन। तो इन सबको हम शामिल करते हैं प्लांट के थैलोफाइटा में। और यदि मैं बात करूं आप सभी से ब्रायोफाइटा की, तो देखिए ब्रायोफाइटा क्या होता है दोस्तों, ब्रायोफाइटा को हम कहते हैं प्रथम स्थलीय पौधा। इसे कहते हैं प्रथम स्थलीय पौधा, यानी कि अगर हम बात करें धरती पर आने वाला पहला प्लांट, तो नीलहरित शैवाल जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है लेकिन वह जल में आया था। यहां क्वेश्चन बनता है कि स्थल पर आने वाला पहला पौधा कौन सा है, तो प्रथम स्थलीय पौधा की संज्ञा हम किसको देते हैं, हम देते हैं ब्रायोफाइटा को। यानी ब्रायोफाइटा को हम प्रथम स्थलीय पौधा कहते हैं। और ये ब्रायोफाइटा में आने वाले पौधे इतने मतलब आर्द्र स्थान पर उगते हैं कि इनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, है ना, इसको कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत का उभयचर, यानी कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ये हम कहते हैं ब्रायोफाइटा के लिए। ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्लास विशेषकर सुपर टेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाई जा रही है। दोस्तों ब्रायोफाइटा होता है प्रथम स्थली पौधा है, पादप जगत का उभयचर इसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यह ऐसा पौधा है जो अधिक आर्द्रता वाले स्थान पर होता है। तो अगर मैं इसमें बात करूं आने वाले प्लांट्स की, तो इस बात का ध्यान देना इसमें एक आता है साइकस, दोस्तों सॉरी इसमें आता है आपका स्फेगनम। स्फेगनम एक प्लांट है, और स्फेगनम कहाँ होता है, ये होता है ध्रुवों के आसपास ठंडे प्रदेशों में। स्फेगनम एजोला ये कहाँ होता है, तालाब में होता है, और एजोला के अंदर एनाबिना शैवाल होती है, ध्यान देना। इसके अंदर क्या होती है, एनाबिना एल्गी, एनाबिना एल्गी होती है, कहाँ, एजोला के अंदर। इसलिए एजोला का प्रयोग कहाँ होता है, धान के खेत में जैविक खाद के रूप में होता है। तो इस बात पे गौर करिएगा आप लोग। अगर बात की जाए दोस्तों इसके बाद की, तो मांस होता है। इसके बाद क्या होता है, मांस। अब मांस क्या है, मांस भी एक पौधा है। मांस से क्या होता है, एंटीसेप्टिक मिलती है। यहाँ जो स्फेगनम है इसका प्रयोग करते हैं एस्किमो लोग। मैंने कहा कि कहाँ होता है, ये होता है जहाँ बर्फ पड़ती है। तो हम जानते हैं कि आइसलैंड में या फिर और जगहों पर एक निवासी होते हैं एस्किमो। तो एस्किमो क्या करते हैं, एस्किमो चिराग बत्ती, यानी देखो जब इसको हम जलाते हैं जल्दी बुझता नहीं है, तो एस्किमो चिराग बत्ती के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं एस्किमो लोग। एस्किमो जनजाति ठंडे देशों में रहती है, और इसमें यूपिट और इनविट दो प्रकार की होती है। अगर हम बात करें एजोला की, तो क्या है, ये जैविक खाद है। एजोला दोस्तों एक जैविक खाद है, और एजोला का प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग होता है जैविक खाद के रूप में, और होता कहाँ पर है, धान के खेत में, क्योंकि इसमें एनाबिना शैवाल पाई जाती है, तो जैविक खाद है ये, ठीक है ना। और बाकी अगर बात की जाए मांस की, तो मांस से क्या मिलता है, मांस से मिलता है एंटीसेप्टिक, यानी मांस से एंटीसेप्टिक प्राप्त होता है। इस बात का आप गौर करिएगा, यानी मांस से एंटीसेप्टिक दवा मिलती है, है ना, मांस के पौधे से। तो देखा ब्रायोफाइटा ये है प्रथम स्थली पौधा है, इसको कहते हैं, और पादप जगत का उभयचर है क्योंकि अधिक आर्द्रता वाले स्थान पर ये होता है। और स्फेगनम को क्या कहते हैं, स्फेगनम जो होता है वो एस्किमो लोग चिराग बत्ती के रूप में
इसका इस्तेमाल करते हैं कौन लोग? एस्किमो लोग। एस्किमो लोग इस फेग्रम का प्रयोग चिराग बत्ती के रूप में करते हैं। और एस्किमो क्या होते हैं? ये निवासी हैं, जनजातियां हैं जो ठंडे प्रदेशों में निवास करती हैं। और यदि बात करें मांस की, तो मांस एक ऐसा प्लांट है जो जिसके द्वारा एंटीसेप्टिक यानी कि प्रतिजैविकी ऐसी औषधियां जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, तो यहाँ जो मांस है इससे एंटीसेप्टिक प्राप्त होता है। अब देखिए, हमने दो चीज समझी, एक थैलोफाइट्स, शैवाल, कवक, जीवाणु, लाइकेन। वैसे इन सब के विषय में बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। एल्गी, एल्गी से जैसे क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन शैवाल लाभदायक होता है। तो देखिए, अगर मैं शैवाल की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें होता क्या है, इसमें लैमिनेरिया शैवाल, लैमिनेरिया से आयोडीन मिलता है। ग्रैसिलेरिया शैवाल, एंटीसेप्टिक दवा मिलती है। ग्रैसिलेरिया शैवाल से अगर अगर पदार्थ मिलता है, और अगर अगर पदार्थ से पॉलिश, रेजिन और चीजें बनती हैं। फिर क्लोरेला शैवाल, अनुसंधान कार्यों में अंतरिक्ष यात्री इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा क्या होता है, नीलहरित शैवाल, तो जैविक खाद के रूप में धान के खेत में उसका प्रयोग होता है। तो शैवाल का, और अलवा शैवाल, नोस्टोक शैवाल, अलवा और नोस्टोक ऐसे शैवाल हैं जिनका प्रयोग कौन करता है, जिनका प्रयोग दोस्तों सलाद के रूप में होता है, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो देखिए, ये आपका जो है ब्रायोफाइटा है। और देखिए, अगर मैं आपसे यहाँ शैवाल की बात कर रहा था, तो देखिए एक होता है अलवा शैवाल, अलवा और नोस्टोक, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग दोस्तों होता है सलाद के रूप में। वहीं ग्रैसिलेरिया, तो इससे एंटीसेप्टिक और अगर अगर मिलता है, ग्रैसिलेरिया से, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक और अगर अगर। वहीं लैमिनेरिया, लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है, इससे क्या मिलता है, इससे आयोडीन मिलता है। वहीं है क्लोरेला, इसका प्रयोग अनुसंधान कार्य में अंतरिक्ष यात्री करते हैं। फिर नीलहरित शैवाल, हालांकि ये साइनोबैक्टीरिया है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग होता है धान के खेत में जैविक खाद के रूप में होता है। ये शैवाल का महत्व है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इसी में कवक की दोस्तों, तो कवक देखिए, कवक दो प्रकार का होता है, एक खमीर यानी ईस्ट हो जाएगा, और एक फंजाई होता है। और फंजाई जो है पहली एंटीसेप्टिक जो एंटीबायोटिक दवा थी, ठीक है ना, पहली जो एंटीबायोटिक दवा थी वो पेंसिलिनियम नोटेटम, यानी कि पहली एंटीसेप्टिक दवा पेंसिलिनियम नोटेटम नामक कवक से 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, है ना। और ध्यान देना, जो कवक होते हैं, कवक से कुछ बीमारियां भी, जैसे दाद, खाज, खुजली, ये सब कैसे होता है, कवक से होता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान देना आप लोग, कवक सही क्या होता है, गंजा पर होता है, गंजापन या फिर एथलीट फूट, दाद, खाज, खुजली, ये सब कवक से ही, फंजाई से ही फैलता है। और ध्यान देना, मशरूम भी एक कवक है, और मशरूम का प्रयोग हम लोग रसेदार सब्जी के रूप में करते हैं, यानी कि जो मशरूम है, मशरूम हम खाते हैं ना, और मशरूम में सबसे अधिक होती है प्रोटीन, 51 से 56% प्रोटीन, ठीक है। तो मशरूम क्या दोस्तों, मशरूम भी एक प्रकार का कवक है, जिसके द्वारा हमको रसेदार सब्जियां प्राप्त होती हैं। अगर यही बात की जाए आपसे कि जीवाणु के बारे में, तो दोस्तों कुछ जीवाणु लाभदायक हैं। जैसे हम कहें अगर आपसे कि सिरका कैसे बनता है, एसेटोबैक्टर एसेटी, है ना, बैक्टर एसेटी। यदि बात की जाए लैक्टोबैसिलस की, तो दोस्तों ऐसा जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, क्या करता है, लैक्टोबैसिलस यह जो है दूध से दही बनाता है, ठीक, लैक्टोबैसिलस। यही दोस्तों बात करें अगर राइजोबियम की, राइजोबियम या स्यूडोमोनास या एस्टोबैक्टर, राइजोबियम, स्यूडोमोनास या नाइट्रोबैक्टर, ठीक, ये सब ऐसे हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, यानी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और यदि यही बात करें आप सभी से हम लाइकेन के बारे में, तो ध्यान देना जो लाइकेन है दोस्तों, लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है, आधा कवक आधा शैवाल है। होता कहाँ है कि लाइकेन पेड़ों की छालों पर होता है, और देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के बढ़ने से लाइकेन खत्म हो जाता है,
तो हम कह सकते हैं कि लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण सूचक होता है। इस बात का भी आप गौर करिएगा। देखिए, तो हमने यहाँ पर दो चीज समझा, लाइकेन, और एक बात ध्यान दीजिए आप दोस्तों, जो लाइकेन होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस पेपर, है ना। लिटमस पेपर कैसे मिलता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। अब यदि बात करें ट्रैकियोफाइटा की, तो देखिए सबसे अधिक प्लांट इसी में आते हैं। और दोस्तों अगर ट्रैकियोफाइटा की बात आपसे मैं करूं, तो देखिए ट्रैकियोफाइटा को भी हमने क्या किया, तीन में रखा है, तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसके तीन पार्ट क्या क्या, देखिए जो पहला इसका पार्ट है वो है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट्स जो भी कहते हैं उसको कह सकते हैं दोस्तों। और ध्यान देना, इसमें एक होता है अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म, और एक होता है आवृत बीजी एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। तो देखा आपने, यहां पर भी अलग प्रकार के प्लांट हैं। जैसे दोस्तों हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये टेरिडोफाइट्स है। क्या है ये टेरिडोफाइट्स है। और बाकी यहां देखिए, यहां आपका जिम्नोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म है, अनावृत बीजी, यही प्रश्न आया था परीक्षा में, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी है, ये जिम्नोस्पर्म, और यहां देखिए ये एंजियोस्पर्म है, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। तो दोस्तों प्लांट को इतने पार्ट में हम बांट सकते हैं, तीन पार्ट में। और देखिए यहां पर तीन पार्ट इसका और बनाया गया। तो पहला क्या है, ट्रेडोफाइट। ध्यान देना होता क्या है, पौधों में, पौधे मिट्टी के अंदर से अपनी जड़ों के द्वारा, जड़ें अंदर होती हैं, तो पौधे क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर से अपनी जड़ों के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, जड़ों के द्वारा, जड़ों के बाल के द्वारा मिट्टी के अंदर उपस्थित जल को अवशोषित करते हैं, है ना। क्या जल को अवशोषित करते हैं, तो होता यह है कि जो पौधे होते हैं वो अपने जड़ों के बालों द्वारा मिट्टी के अंदर उपस्थित जल को और खनिज को परासरण विधि के माध्यम से अवशोषित करते हैं नीचे से। तो उसके बाद जल क्या होता है, इन जड़ों में आता है, उसके बाद ऊपर चढ़ता है, छाल में पहुंचता है। तो आखिर उस जल को जो पौधे की छाल में है, तने में है, उसे पौधे की पत्ती, शाखाएं, पुष्प, फल, इन सब में कौन पहुंचाएगा? तो ध्यान देना क्या होता है, जाइलम नामक ऊतक होता है, जाइलम नामक टिश्यू होता है, ठीक है ना। तो जाइलम करता क्या है, जाइलम पौधों के अंदर जल का संवहन, जल का संवहन करता है, है ना, यानी जल को पौधे के सब भागों में पहुंचाता है। वही होता क्या है दोस्तों, वही होता है कि जो पौधे का भोजन बनता है वह उसकी पत्ती में रहता है स्टार्च के रूप में, यानी पौधों का भोजन उनकी पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित रहता है। अब यहां पर एक ऊतक और बनता है, फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, इस पौधे की पत्ती में बने हुए खाद्य पदार्थ को फ्लोएम पौधे के सब भागों में पहुंचा देता है, है ना। यानी कि खाद्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम करता है और जल का संवहन जाइलम करता है, इनको हम संवहनी ऊतक कहते हैं। प्रश्न ये उठ रहा है कि सबसे पहले संवहनी ऊतक कहां पाया गया था, तो ध्यान देना सबसे पहले संवहनी ऊतक पाए गए थे कहां पर, यहीं पर, यानी कि वैस्कुलर टिश्यू संवहनी ऊतक सबसे पहले यहीं पाए गए थे, उपस्थित थे यहां पर। लेकिन समस्या दोस्तों क्या थी कि यह पुष्प और बीजहीन था, जो टेरिडोफाइटा है पुष्प व बीजहीन। भाई जब पुष्प ही नहीं बनेगा तो बीज कहां से बनेगा, तो पुष्प और बीजहीन कह सकते हैं ये थे टेरिडोफाइटा। अगर प्रश्न बनता है कि सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम कहां पाए गए, तो आपका आंसर क्या आएगा, टेरिडोफाइटा में दोस्तों। सबसे पहले संवहनी ऊतक कहां पाए गए थे, तो अब बताएंगे टेरिडोफाइटा में। अब देखिए नंबर आता है यहां पर जिम्नोस्पर्म का। अगर मैं आप सबसे जिम्नोस्पर्म की बात करूं, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनावृत बीजी। तो यदि अनावृत बीजी की बात की जाए कि अनावृत बीजी होता क्या है,
तो इसको आप समझ सकते हो दोस्तों, होता यह है कि अन आवृत बीजी, यानी अगर हम इसका विच्छेद करें तो देखिए यहां पर क्या बनेगा। अगर हम यहां इसका विच्छेद करें तो एक मैं देखिए लिखा गया है अनावृत बीजी, ये है अनावृत बीजी। तो अगर इसका विच्छेद किया जाए शाब्दिक विच्छेद तो आएगा अन प्लस आवृत प्लस बीजी, यानी अन आवृत बीजी। तो यदि अन आवृत बीजी की बात की जाए तो अन मतलब होता है ना होना, ना होना। आवृत का मतलब होता है आवरण और बीजी का मतलब होता है बीजों पर। तो ऐसे पौधे जिनके बीजों पर आवरण नहीं होता है, बीजों पर छिलका नहीं होता है, बीजों पर कवर नहीं होता है, तो जिन पर छिलका कवर आवरण नहीं होता है उन बीज वाले पौधों को हम कहते हैं अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म। तो यदि अनावृत बीजी की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ पौधे ऐसे हैं जो जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में आते हैं। जैसे दोस्तों बात करेगा साइकस की, तो साइकस भी क्या है, साइकस जिम्नोस्पर्म है दोस्तों। और साइकस को हम क्या कहते हैं, सागोपाम कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, सागोपाम कहते हैं। और ध्यान देना, साबुदाना कैसे मिलता है, साबुदाना साइकस से प्राप्त होता है। साबुदाना कैसे मिलता है भाई, ये साइकस दोस्तों मिलता है। तो ध्यान देना, इसको सागोपाम कहते हैं, साबुदाना हमको साइकस से ही प्राप्त होता है। और फ्रेंड्स, या इसको हम कहते हैं जीवित जीवाश्म, क्या बोलते हैं, इसी कहते हैं जीवित जीवाश्म। तो जीवित जीवाश्म की संज्ञा किसको देते हैं, साइकस को ही देते हैं। और देखिए इसके अलावा चीड़ भी होता है ना, और चीड़ से क्या मिलता है, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल। तो तारपीन के तेल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों, तारपीन के तेल का प्रयोग हम स्नेहक के रूप में सिलाई मशीन में या अन्य मशीनों में, या इसी से क्या बनता है, साबुन बनता है, इसी से क्या बनता है, कुछ और जो है सौंदर्य प्रसाधन के सामान बनते हैं तारपीन के तेल से। अब देखिए इसके बाद में बात करूँ अगर तो दोस्तों, इससे जो है सिनकोना, सिनकोना की छाल से क्या होता है, सिनकोना की छाल से कुनैन बनता है। अब कुनैन है क्या दोस्तों, कुनैन है मलेरिया रोधी दवा। हालांकि अब जो है क्लोरोक्विन क्वीन है इसके स्थान पर, जो आपकी एलोपैथिक दवा है, क्लोरोक्विन कुनैन के स्थान पर काम करती है, या बीटा आर्टीथर वैक्सीन, क्योंकि मलेरिया के उपचार में लगाते हैं। और दोस्तों यदि बात करें तो एक होता है देवदार। तो देखिए देवदार क्या है, देवदार के बीज से क्या मिलता है, सैंड्रस ऑयल, सैंड्रस ऑयल मिलता है देवदार से ही, है ना, सैंड्रस ऑयल जिसको सांडा का तेल कहते हैं। ये कैसे मिलता है, ये मिलता है देवदार से ही। इसके अलावा क्या है, इन सब का उपयोग और स्थान पे, जैसे दोस्तों आप इस बात का ध्यान देंगे कि इनसे लकड़ियां मिलती हैं, कीमती लकड़ियां मिलती हैं, चूंकि बड़े मुलायम पौधे होते हैं, लकड़ियां इनकी बहुत कीमती होती हैं। जैसे लकड़ियों का प्रयोग कहाँ होता है, रेलवे स्लीपर में होता है, हालांकि अब नहीं होता, पहले था, या महंगे महंगे फर्नीचर्स बनते हैं। तो ध्यान देना ये सभी क्या है, सभी अनावृत बीजी हैं, इन पौधे के बीजों पर आवरण नहीं होता है। अब यदि बात की जाए आपसे आवृत बीजी की, अगर मैं बात करूंगा आप सभी से आवृत बीजी की, तो दोस्तों क्या है आवृत बीजी, तो बस उसका उल्टा समझ लीजिए। अगर जिनके बीजों पर आवरण नहीं होता, अगर वो अनावृत बीजी हैं, तो जिनके बीजों पर आवरण होता है वो क्या होते हैं, वो आवृत बीजी होते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनके बीजों पर आवरण होता है उनको हम कहते हैं आवृत बीजी। और इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि आवृत बीजी ऐसे पौधे दोस्तों हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं आवृत बीजियों की, तो देखिए आवृत बीजी को क्या किया गया है, आवृत बीजी में आने वाले प्लांट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब समझेंगे आप कि दो पार्ट क्या होते हैं इसके, तो बहुत आसान से दोस्तों है, एक होता है एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, अर्थात इसको हम कहते हैं मोनोकाटिलेडनी, और एक होता है द्वि बीज पत्री डाइकाटिलेडनी, ठीक ना।
अब देखिए यही आवृत्ति बीजी हमारे आसपास विद्यमान दोस्तों है, हमारे आसपास पाए जाते हैं। इनमें एक है मोनोकॉटिलेडोनी और एक क्या है डाइकॉटिलेडोनी। दोस्तों एक मोनोकॉटिलेडोनी है और दूसरा क्या है डाइकॉटिलेडोनी है, और हमारे आसपास यही सारे पौधे पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक बीजपत्री क्या है और द्विबीजपत्री क्या है, आइए इस उदाहरण को समझते हैं। तो देखिए कुल पौधे के इतने प्रकार हैं, पौधों के कुल इतने प्रकार बनाए गए हैं। और दोस्तों आपको ऐसे ही क्लास मिलती रहेगी। क्या करना है आपको सुपर टेट की तैयारी के लिए, इससे भी आसान तरीके से क्लास आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आपको स्क्रॉल हो रहे नंबर पर एंट्री सुपर टेट लिख करके हमें व्हाट्सअप करना होगा, और एडमिशन प्रक्रिया के बारे में आपको बहुत ही सरलता से बहुत ही आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए यहाँ बात करते हैं क्या है एक बीजपत्री और क्या है द्विबीजपत्री। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए पहले हम बात करेंगे एक बीजपत्री की। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है एक बीज पत्री, यानी ऐसे पौधे जिनके बीजों में केवल एक ही पत्र हो। पत्र का मतलब समझिए भाग, है ना। ऐसे पौधे जिनके बीजों पर एक ही भाग हो, एक ही पत्र हो, उसे हम कहते हैं एक बीजपत्री। और ऐसे पौधे जिनके बीजों के दो पत्र हैं, दो भाग हो, उन्हें कहेंगे द्विबीजपत्री। अगर हम इनकी बात करें एक बीजपत्री की, तो दोस्तों जब एक बीजपत्री पौधों में अंकुरण निकलता है ना, तो जब इनमें अंकुरण निकलता है एक बीजपत्री वाले में, जब इनमें अंकुरण निकलता है तो अंकुरण के समय क्या होता है केवल एक ही पत्ती बाहर निकलती है ना। यानी कि एक बीजपत्री पौधों के को जब इनके बीज को हम छीलते हैं, जब इनके बीज को हम खोलते हैं, उनमें एक ही भाग होता है, और अंकुरण के समय क्या होता है प्रारंभ में केवल एक पत्ती निकलती है ना। देखिए अंकुरण हुआ केवल एक पत्ती, कितनी पत्ती, एक पत्ती निकलती है पहले अंकुरण के समय, ठीक। और बीज कितने भाग, बीज के एक भाग, तो इसके बीज के एक भाग होते हैं, बस एक भाग होते हैं। तो इसके बीज का केवल एक ही भाग होता है, और अंकुरण के समय शुरुआत में एक पत्ती निकलती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जब इसमें अंकुरण होगा तो दोस्तों अंकुरण के समय क्या होता है दो पत्तियां निकलती हैं। इस बात का गौर करिएगा आप लोग, इसमें अंकुरण के समय दो पत्तियां निकलती हैं, और जब इसके बीज को हम खोलते हैं ना, तो बीज को खोलने पर क्या होता है बीज के दो भाग निकलते हैं, है ना। बीज को खोलने पर दो भाग निकलते हैं। तो ऐसे पौधे जिनके बीजों को खोलने पर एक भाग निकले, अंकुरण के समय एक पत्ती निकले, उसे हम कहते हैं एक बीजपत्री। और ऐसे पौधे जिनके बीजों के दो भाग हो, खोलने पर दो भाग निकले और शुरुआत में अंकुरण के समय दो पत्ती निकले, उसे हम कहेंगे द्विबीजपत्री डाइकॉटिलेडोनी। देखिए ये तो पहचानने का तरीका है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, यदि इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए, तो देखिए जैसे क्या होता है ग्रामिनी, तो आप समझेंगे ग्रामिनी क्या है। एक्चुअली में ग्रामिनी एक फैमिली है, और किसकी फैमिली है दोस्तों, ये फैमिली है धान, गेहूं, मक्का या बाजरा, बांस, दूब घास, है ना। तो ये सब जानते ही होंगे आप लोग, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं एक बीजपत्री। क्योंकि इसमें से किसी को भी समझेंगे आप लोग, यहां तक गन्ना भी इसी होता है गन्ना। यहां जो ऐसे प्लांट्स आते हैं दोस्तों, इनमें क्या होता है, इनमें अंकुरण के समय एक ही पत्ती निकलती है, और जब इसके बीज को हम बाहर निकालेंगे खोल करके, तो शुरू में क्या केवल एक ही पत्ती होती है ना। अब देखिए यदि हम बात करें इसके अतिरिक्त दोस्तों, तो इसके अतिरिक्त होता है रोजेसी, रोजेसी होता है उसमें भी ऐसे ही होता है, रोटेसी होता है दोस्तों उसमें भी ऐसे होता है, लिलियसी यानी लहसुन और प्याज, तो लहसुन और प्याज में क्या होता है एक बीजपत्री होता है, लहसुन प्याज भी एक बीजपत्री है। तो दोस्तों देखिए जिसपे अंकुरण के समय दो एक पत्ती निकलती है वह एक बीजपत्री है। यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो ध्यान देना लेग्यूमिनेसी होता है, क्रूसीफेरी होता है। अगर हम लेगुमिनेसी की बात करें तो दाल वाली फसलें, जैसे चना में कितने, चना क्या होता है, चना, मटर, सरसों, अरहर, ये सब क्या होता है
सब द्विबीजपत्री है ना, उसके द्विबीजपत्र होते हैं। सरसों भी क्या होती है? द्विबीजपत्री होती है। तो दोस्तों ये होता है एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री। देखिए हमारे आसपास अधिक मात्रा में क्या है, यही फैले हुए हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कुछ आवृत बीजियों के बारे में, तो आवृत बीजियों के बारे में अगर बात की जाए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये पूरा प्लांट का यह प्रकार है, तो प्लांट को सबसे पहले तीन भाग बांटा गया है। उसके बाद देखिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा, और उसके बाद क्या है, ट्रेकियोफाइटा के तीन भाग, टेरिडोफाइट या फिर जिम्नोस्पर्म्स, या दोस्तों क्या है, या फिर आपका एंजियोस्पर्म। वहीं पर क्या है, फिर एंजियोस्पर्म को दो भाग बांटा गया है। एक भाग क्या है, मोनोकॉटिलिडनी, दूसरा है डाइकॉटिलिडनी। तो प्लांट के इतने प्रकार हैं। अगर मैं कुछ सुपरटेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं कुछ आवृत बीजियों के बारे में, तो सबसे छोटा आवृत बीजी क्या है, सबसे छोटा आवृत बीजी, आवृत बीजी क्या है, तो दोस्तों ये होता है लेमना। लेमना सबसे छोटा आवृत बीजी है। वही अगर बात की जाए सबसे बड़ा आवृत बीजी क्या होता है, सबसे बड़ा आवृत बीजी ये होता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या होता है, यूकेलिप्टस जिसको हम कहते हैं सफेदा, तो सबसे बड़ा आवृत बीजी क्या हुआ, यूकेलिप्टस हुआ। और यदि बात की जाए यहीं पर कि सबसे छोटा बीज किसका होता है, सबसे छोटा बीज किसका होता है, तो अगर सबसे छोटा बीज की बात की जाए दोस्तों, तो आर्किड का होता है। आर्किड का सबसे छोटा बीज किसका होता है, ये आर्किड का होता है। और इसके अलावा यदि बात की जाए सबसे बड़ा बीज, सबसे बड़ा बीज किसका होता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए आप लोग, ये होता है लोडोसिया का, लगभग 16 किलोग्राम का होता है। तो लोडोसिया प्लांट का दोस्तों होता है लगभग 16 किलोग्राम का। अगर यही बात की जाए सबसे बड़ी पत्ती, सबसे बड़ी पत्ती किस आवृत की भी, आवृत बीजी की होती है, तो सबसे बड़ी पत्ती अगर इसकी बात करूं तो एक पत्ती होती है, उसका नाम क्या है, विक्टोरिया रिजिया, विक्टोरिया रिजिया। तो विक्टोरिया रिजिया ऐसा प्लांट है जिसकी पत्ती सबसे बड़ी होती है। अगर यही मैं बात करूं आगे सबसे बड़े पुष्प की, सबसे बड़ा पुष्प दोस्तों होता है रेफलेसिया, लगभग होता है 10 किलोग्राम का, लगभग 10 किलोग्राम का होता है रेफलेसिया का पुष्प। और यदि यही बात की जाए सबसे छोटे पुष्प की, सबसे छोटा पुष्प, तो दोस्तों ध्यान देना ये क्या होता है, ये होता है वुल्फिया का। वुल्फिया का होता है सबसे छोटा पुष्प। ठीक, देखिए कुछ आवृत बीजी हैं जिनके बारे में प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटा आवृत बीजी क्या होता है, लेमना होता है। सबसे बड़ा क्या है, यूकेलिप्टस होता है। सबसे छोटा बीज किसका है, ऑर्किड का है। सबसे बड़ा बीज किसका, लोडोसिया का होता है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया की होती है, और सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया है। सबसे छोटा पुष्प क्या होता है दोस्तों, ये होता है वुल्फिया का होता है। तो ध्यान देना कुछ आवृत बीजों के बारे में पॉइंट्स ये मैं लिखे हुए हैं। देखिए इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, इसके अलावा प्रश्न ये बनता है कि सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है, तो ध्यान देना आप लोग, सिकोया होता है सबसे बड़ा वृक्ष। तो देखिए दोस्तों यही से प्रश्न आपके बन सकते हैं। मैं पौधों के बारे में कुछ विशेष बातें बताऊंगा आप लोगों को, जैसे तीखापन होता है, रंग होता है, टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, या फिर मिर्च का लाल रंग क्यों होता है, हरा क्यों, तीखा क्यों होता है। तो इसके बाद की जो क्लास होगी आप लोगों के लिए सुपर डैड के लिए, उसमें दोस्तों आपको मैं सारे पॉइंट बताऊंगा। ध्यान देना, अगर आपको इस तरह की आरामदायक और समझने वाली क्लास चाहिए तो आप दोस्तों हमसे जरूर जुड़े। दुनिया के, भारत के नंबर वन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। दोस्तों आपको क्या करना है, सुपर टेट की बैच में एडमिशन के लिए स्क्रॉल हो रहे नंबर पर आपको फोन करना है, सॉरी आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद
जो भी प्रोसेस है ये आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।